नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं पांच बड़ी खबरों पर। 7 साल 3 महीने और 4 दिन के बाद वह सुबह आ ही गई जब निर्भया सच में मुस्कुराई। आज सुबह 5:30 बजे उसके सभी दोषियों को एक साथ तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। बता दें कि 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में 6 दरिंदों ने निर्भया से दुष्कर्म किया था। एक ने जेल में खुदकुशी कर ली थी, दूसरा नाबालिग था इसलिए 3 साल बाद छूट गया। बाकी बचे 4। ये चारों दोषी अपनी मौत से 2 घंटे पहले तक कानून के सामने गिड़गिड़ाते रहे। अंत में जीत निर्भया की ही हुई। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित 5वें मरीज की मौत हो गई। मृतक इटली का नागरिक है। जयपुर में इटली के 69 वर्षीय इंद्री काली की 14 अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब में एक एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। इस तरह देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 200 के पार हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 52 हो गई है। मुंबई में बीएमसी ने बैंकेट हॉल के मालिकों को दिए सख्त निर्देश। बीएमसी ने मालिकों को साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए जो भी कार्यक्रम बुक किए गए हैं उन्हें कैंसिल कर दें या पोस्टपोन कर दें। यह भी साफ कर दिया है कि जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रमों में परिवार के लोगों के अलावा बाहर के लोगों की एंट्री भी ना हो। फिच रेटिंग्स ने आज वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 5.1% कर दिया। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वैश्विक आर्थिक मंदी के गहराते खतरे के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि के दर के अनुमान को 48 घंटे में 2 बार घटाया है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वर्ष 2020-2021 की पहली तिमाही अप्रैल जून के अनुमान को 0.90% घटाकर 3.1% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से निवेश और निर्यात प्रभावित होगा। इससे पहले फिच ने दिसंबर 2019 में अनुमान जताया था कि 2020-2021 के लिए भारत की विकास दर 5.6% और अगले वर्ष 6.5% रहेगी। मध्य प्रदेश में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 22 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के बाद से ही कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी हार स्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार के पास जरूरी संख्या नहीं है। तो ये थी आज की हमारी बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।